हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग यूपीएसआई के लिए जीएस का सेट नंबर 3 देखेंगे और ये हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम से देख रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड मैंने अपलोड कर दिया है, बाकी जीएस का अपलोड हो जाने के बाद हिंदी का करूँगा, रीजनिंग का करूँगा, मैथ का भी करूँगा और फाइनली जो कंबाइंड सेट होगा 160 क्वेश्चनों का उसको भी करूँगा। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 41 ये कह रहा है कि वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और खाली जगह किसके बीच लड़ा गया था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वह किसके किसके बीच में लड़ा गया था, वह बाबर के बीच में था और इब्राहिम लोदी के बीच में था, ऑप्शन नंबर डी। इसमें एक्चुअली हुआ क्या था कि देखिए, ये जो युद्ध था 21 अप्रैल को हुआ था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, इसमें बाबर और इब्राहिम के बीच हुआ और इसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर के जीतने का जो रीजन था वह उसका तोपखाना था और क्या था, उसका कुशल नेतृत्व था। आइए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में यह है कि खाली जगह व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए, यानी 1605 में किन लोगों ने मछलीपट्टनम में अपनी कंपनियाँ डाली, ठिकाने बनाए, तो कौन से थे लोग, वो थे डच, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन था, ये भी याद रखिएगा, ये जो आर्य समाज जो था ये क्या था, एक हिंदू सुधार आंदोलन था, है ना। और इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब किया था, तो ये किया था 1875 में किया था, 1875 में इन्होंने किया। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो किसे ही अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे, ऑप्शन नंबर डी। और इन्होंने ही कहा था कि एक साल तक आप आंखें खुली रखिएगा लेकिन मुंह बंद रख करके पूरे इंडिया का भ्रमण करिए, और गांधी जी ने ऐसा किया भी था। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने कौन सी सोसाइटी बनाया था, 1905 में बनाया था इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 45। भारत का संविधान दिवस कब आता है या किस दिन हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, तो यह मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है ना, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अधिनियमित एवं आत्मसमर्पित किया गया था। इस उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने की प्रथा चलने लगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो भारतीय संविधान में अभी कितनी अनुसूचियां हैं, 12, ऑप्शन नंबर बी। और पहले कितनी थी, 8, जब मूल संविधान बना था तो 8 अनुसूचियां थी और अभी कितनी हो गई हैं, ये 12 अनुसूचियां हो गई हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है, तो भारतीय नागरिकता जो है यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, और नागरिकता का जो प्रावधान है वह कहाँ से कहाँ तक है, वह है 5 से लेकर के 11 अनुच्छेद तक जो है हमारा नागरिकता का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 48। राष्ट्रपति किसके परामर्श में संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं, तो यह किससे परामर्श लेते हैं, ये मंत्रिपरिषद से करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में यह है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है, यानी अगर लोकसभा का अध्यक्ष होगा वह अपना त्याग पत्र देगा तो वह किसे देगा, तो वह देगा किसे, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर सी। और अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष देना चाहेगा तो किसे देगा, तो यह देगा लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, जो हमारा सन है उसके बाहरी परत को क्या कहते हैं, उसके सबसे बाहरी परत को कोरोना कहते हैं। ठीक है ना, सबसे बाहरी परत को कोरोना कहते हैं। आइए, प्रकाश मंडल भाग को मनुष्य के नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, सबसे अंदर जो होता है प्रकाश मंडल होता है, फिर वर्ण मंडल मंडल होता है और फिर कोरोना होता है। तो कोरोना तो हम लोग देख लेते हैं लेकिन जो प्रकाश मंडल जो यानी सेंटर वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग अपनी इन नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। दोनों गोलार्धों पर समान दिन व रात किस दिन होता है, ठीक है ना, यानी दिन और रात दोनों समान
कब होते हैं, तो ये होते हैं आपके 21 मार्च और 23 सितंबर को, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 में ये है किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है, तो जो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है ये है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। गुजरात जो है ये पश्चिम भारत में स्थित राज्य है, ये कहाँ है, ये भारत के अगर ऐसे हम लोग देखें तो ये पश्चिम की तरफ है गुजरात। ठीक है, और इसकी जो पश्चिमी सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है ये किससे लगी हुई है, यह पाकिस्तान से लगा हुआ है, यह पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। ठीक, गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला भी है और इसकी तटरेखा कितनी है, 1212 किलोमीटर है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है, तो जो खरीफ की फसल होती है वह सितंबर से अक्टूबर के बीच में काट ली जाती है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, और इसके अंतर्गत आता क्या क्या है, चावल आता है, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास, पटसन, तंबाकू, मूंग, उड़द, लोबिया आदि कृषि की जाती है। रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर नवंबर में बोकर अप्रैल में काट ली जाती है, जो रबी वाली होती है वह अप्रैल में काटी जाती है। ठीक है ना, आइए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में यह है भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या है, तो जर्क की जो इकाई है वह क्या होती है, मीटर प्रति सेकेंड घन, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, जीरो केल्विन किसके बराबर है, तो जीरो केल्विन जो है -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन 56, धातुएं विद्युत का वाहन क्यों करती हैं, तो धातुओं में विद्युत जो है ना यानी करंट फ्लो क्यों होता है, क्योंकि इनके पास होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ये धातुएं जो होता है करंट को फ्लो कराती हैं, गुड कंडक्टर होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 में ये है कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कोशिकाओं के जो अध्ययन को है उसको साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है ना, साइटोलॉजी भी कहा जाता है किसको, कोशिकाओं के अध्ययन को, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, जैसे कोशा जीवधारियों की संरचना एवं जैविक क्रियाओं की इकाई भी होती है, ये जो कोशिका होती है या किसकी होती है, जैविक क्रियाओं की इकाई होती है और संरचना की तो होती ही है। ठीक है ना, आइए क्वेश्चन नंबर 58, गाजर का नारंगी रंग किस वर्ण के कारण होता है, तो गाजर का नारंगी रंग जो होता है वह होता है कैरोटीन के अंदर के कारण, ऑप्शन नंबर बी, यानी गाजर नारंगी क्यों होता है, कैरोटीन के कारण होता है। आइए देखिए, गाजर के रस में विटामिन ए बी सी डी ई और के, लगभग सारे विटामिन मिल जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 59, एक टेराबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है, तो जो एक टेराबाइट होता है वह 1024 × 1024 मेगाबाइट के बराबर होगा, एक टीबी जो होता है वह 1024 × 1024, ठीक है, मेगाबाइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 60, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बताइए कहाँ स्थित है, तो यह है राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के राजस्थान में स्थित है और यह एक विश्व विख्यात पक्षी अभयारण्य है। ये क्या है, यह पक्षी अभयारण्य है और इसको पहले भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था, इसी का पुराना नाम क्या था, भरतपुर पक्षी अभयारण्य। इसको 1971 में संरक्षित पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था और बाद में 1985 में इसे विश्व धरोहर भी घोषित कर दिया गया, यानी 1985 से जो है यह विश्व धरोहर भी हो गया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 61, भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है, तो भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है, तो यह है पंजाब का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62, सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए इनमें से किसे सूचना का अधिकार होगा, यानी कौन सूचना ले सकता, तो इसमें ले सकते हैं सभी नागरिक। ठीक है ना, भारत का सभी नागरिक अधिकार ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में है, आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस में बनी नवीन इकाई ATS को किसी विस्फोटक होने की सूचना पर कौन सा दस्ता भेजा जाएगा, यानी अगर ATS को ये पता चलता है कि कहीं विस्फोटक है तो वह किसको भेजेगा, तो वह भेजेगा बम निरोधक दस्ता को। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 में है, उत्तर प्रदेश में
64 हमसे क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली कहाँ मनाई जाती है। तो जो लठमार होती है होली होती है यह वृंदावन में नहीं होती है, यह होती है कहाँ, बरसाना में। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली प्रत्येक वर्ष फागुन महीने में मनाया जाता है, पहली बात तो ये, और ये मथुरा के बरसाना में मनाई जाती है। ये बरसाना कहाँ है, यह है मथुरा में, ठीक है ना, मनाई जाती है। और मथुरा में यमुना महोत्सव चैत माह में मनाया जाता है, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। तो यूपी की सीमा किससे नहीं लगती है, वह पंजाब के साथ नहीं लगती है, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान के साथ साझा करती है, राजस्थान के साथ हमारे दो जिले जुड़े हुए हैं, आगरा और मथुरा। हरियाणा के साथ भी साझा करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि यहाँ क्या है कि भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष में से कौन सा सही होगा। तो पहला ये कह रहा है, ए एक छड़ी से जेड को 50 बार मारता है, जबकि यदि एक प्रहार के लिए 1 साल की सजा है तो ए को सजा के रूप में 50 साल का कारावास होगा, ठीक है। दूसरी बात कह रहा है, जब ए जेड को मार रहा है तो वाई हस्तक्षेप करता है और ए जानबूझकर वाई को भी मारता है। ए जेड को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए 1 सजा के लिए और वाई को मारने के लिए 1 अन्य सजा के लिए उत्तरदायी है। तो क्या ये दोनों बातें सही हैं या नहीं सही हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि केवल यहाँ पे सेकंड वाली बात सही है और बाकी फर्स्ट वाली बात नहीं सही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, राम ने एक अपराध किया जिसके लिए सजा सिर्फ 40 रुपये का जुर्माना था, लेकिन वह इस राशि का भुगतान नहीं कर सका, ठीक है। तो वह जो है इस राशि का भुगतान नहीं कर सका, फिर आईपीसी की धारा 67 के अनुसार उसे भुगतान न करने के लिए अधिकतम कितने महीनों के लिए कैद किया जा सकता है। तो अधिकतम वह कितने महीने जेल में जा सकता है, वह 2 महीने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगर 50 रुपये तक का जुर्माना है तो 2 माह का, अगर 100 रुपये तक का जुर्माना है तो 4 माह का, और दूसरी अगर कोई कंडीशन है तो उसमें आपको 6 महीने की जेल होती है अधिकतम। क्वेश्चन नंबर 68, खाली जगह फिर उसमें दिया जा रहा है, ने वनवासी अनुसूचित जनजातियों, ठीक है ना, के वन अधिकारियों को मान्यता दी और FDST लोगों को वन भूमि पर अधिकार दिलाया। यानी जो लोगों को, ये जो जनजाति लोग थे, इनको वनों पे अधिकार कैसे मिला वन भूमि पे, वह आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कैसे मिला था, वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 69, ये एक सिंबल दिया हुआ है और पूछा जा रहा है इस सिंबल का मतलब क्या होता है। तो इस सिंबल का मतलब क्या होता है कि इसमें ये दिखाया जाता है कि आगे जो है ना, आगे 2 मोड़ हैं, पहला बाईं तरफ है, ठीक, पहला जो है वह बाईं तरफ है, क्योंकि ये एरो जा रहा है और पहले बाईं तरफ मुड़ा हुआ है और फिर वो दाईं तरफ मुड़ जा रहा है। तो ये 2 मोड़ को दिखाता है और उस 2 मोड़ में भी पहला बाईं तरफ है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70, यदि किसी नागरिक के सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय समाप्त हो गए हैं तो वह संविधान के अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के तहत अधीन उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। तो वह किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय जाएगा, अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से किन पर जनहित याचिका मामलों के रूप में विचार नहीं किया जा सकता। तो किन के ऊपर नहीं जनहित याचिका के मामले में विचार किया जाएगा, मकान मालिक और किराएदार के मामले में, दूसरा दे रहा है सेवा मामले और पेंशन और ग्रेचुटी के संबंधित मामले में, और तीसरा दे रहा है पारिवारिक पेंशन। तो इन तीनों में से किसी भी मामले में जनहित याचिका नहीं लगाई जा सकती, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, ए बी और सी ये तीनों सही हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, तत्कालिक न्याय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। यह मुख्य रूप से जनता द्वारा मुकदमेबाजी के बाद परिणाम के रूप में परिवर्तित हुआ, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें जो होगा हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य, ये जो फैसला आया था ये किस में आया था, हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य में आया था, ऑप्शन नंबर ए। और ये वाद कब का था, यह वाद था 1979 का, ठीक है, 1979 वाद है ये। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में ये है कि 1983 में स्थापित
खाली जगह के राजपत्र या चार्टर का देश में राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और अधिकारों के संतुलन को जांचना था और भारत के संविधान के ढांचे के भीतर परिवर्तन का सुझाव देना था। यानी यह कौन सी समिति थी जो 1983 में बनी थी, तो यह समिति थी आपकी 73 में हो जाएगा सी, सरकारी आयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और सरकारी आयोग जब भी केंद्र और राज्य के संबंध की बात करेगा तो हम लोग सरकारी आयोग को ही देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 भारत सरकार को अधिदेश देता है कि वह क्या करे। कि वह गाय एवं बछड़ों के वध पर रोक लगा दे, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75, मोटरयान संशोधन विधेयक 2019 से संबंधित तथ्यों पर विचार करिए। इसमें ये चार पॉइंट दिए जा रहे हैं। पहला कह रहा है यह विधेयक 31 जुलाई 2019 को राज्यसभा में पारित किया गया। ठीक, दूसरा हमसे ये कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है कि यह विधेयक मोटरयान अधिनियम 1988 में संशोधन हेतु पारित किया गया। तीसरा पॉइंट यह है कि संशोधन विधेयक में मोटर दुर्घटना कोष स्थापित करने का प्रस्ताव है। और जो चौथा पॉइंट है उसमें यह है कि संशोधन विधेयक में गोल्डन आवर के दौरान सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के लिए कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो ये देखना है कि इन चारों पॉइंट्स में से कौन कौन से सही हैं। तो इसमें जो है जितने भी बातें हैं ये चार के चारों पॉइंट सही हैं, ऑप्शन नंबर डी यानी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 76, विश्व स्तनपान दिवस विश्व भर में कब मनाया जाता है। तो यह कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 1 अगस्त से 7 अगस्त तक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, 8 से 9 अगस्त 2019 को ई गवर्नेंस पर 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। तो यह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, यह किया गया था शिलांग में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ई गवर्नेंस पे जो 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन था वह 8 से 9 अगस्त 2019 को शिलांग यानी, और ये शिलांग कहाँ है, मेघालय में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय डिजिटल इंडिया सफलता से उत्कृष्टता है। ठीक है ना, यानी अगर इसकी थीम पूछ ले तो डिजिटल इंडिया सफलता से उत्कृष्टता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में ये कहा गया केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौते UNISA से जुड़े संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी गई है। तो यह कब दे दी गई है, तो 78 में दे दिया गया ये 31 जुलाई को, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, विश्व मानव तस्करी दिवस 2019 का मुख्य विषय क्या था। मानव तस्करी दिवस 2019 की मेन थीम पूछा जा रहा है, तो 79 में क्या था, मानव तस्करी कार्रवाई के लिए अपनी सरकार को बुलाओ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, मानव तस्करी दिवस 2019 का थीम क्या था, मानव तस्करी कार्रवाई के लिए अपनी सरकार को बुलाओ। क्वेश्चन नंबर 80 और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, उत्तराखंड मानव विकास रिपोर्ट 2019 से संबंधित तथ्यों पर विचार करिए। पहला, इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट दिल्ली के सहयोग से उत्तराखंड की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट तैयार की गई है। दूसरा पॉइंट यह है कि मानव विकास सूचकांक में देहरादून पहले स्थान पर है। तीसरा यह है उत्तराखंड की जन्म पर जीवन प्रत्याशा 71.3 वर्ष है। चौथा, जन्म पर सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा देहरादून की है। तो इसमें कौन कौन सी बातें हमारी सही हैं, तो इसमें जो है ये तीन की तीनों बातें सही हैं, पहली दूसरी और तीसरी, और चौथी बात केवल गलत है, ऑप्शन नंबर ये सी। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने जीएस का थर्ड सेट भी कर लिया है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।